चल पीपल, तो मैं आ चुका हूँ बीटल्स आश्रम में और इसकी टिकट है 150 रुपीज पर पर्सन, ये मैंने ले ली है, तो चलते हैं। गाइस बीटल आश्रम जो कि बहुत ही पुराना एक आश्रम है जहाँ पे बीटल्स आए थे, जो एक नंबर वन रॉक बैंड हुआ करता था अपने ज़माने का, वो आश्रम है यहाँ पे राजा जी में जानकी सेतु से आप सीधा आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। मेडिटेशन केव्स बनी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस ये है मेडिटेशन केव्स जो कि 1976 में कंस्ट्रक्ट हुए थे और काफ़ी लोग यहाँ के पूजा अर्चना आराधना किया करते थे। तो एक मेडिटेशन केव में लेके चलता हूँ और देखता हूँ अंदर से कैसी है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये। ये है एक पुरानी सी केव यहाँ पे और ऊपर को रास्ता भी जा रहा है, नीचे यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज है। यार ये टूट ना है, मुझे डर लग रहा है मैं चढ़ तो जाऊँगा। हाँ लेट्स सी, चढ़ गया मैं। गुड, मतलब पुरानी है लेकिन स्टिल देयर स्ट्रांग। यहाँ से छोटा सा जो रास्ता था यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ, यहाँ से है बाहर निकलने का रास्ता। काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, काफ़ी शांति है और जो 150 रुपीज़ टिकट है मेरे को लगता है यार जस्टिफाइड है। बाकी पुराने स्ट्रक्चर्स आप यहाँ देख सकते हो और आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे क्या है। आश्रम के बारे में बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे एक शिव जी का प्राचीन मंदिर भी है जिसकी काफ़ी मान्यता है यहाँ पे, और मंदिर के आगे आप चलेंगे तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। देखिए इस तरफ तो प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है ऐसे जैसे ये होता था। '60s की ये बिल्डिंग जहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस मिलता है, किचन भी था जो यहाँ पे पहले रहा करते थे लोग, उनके अवशेष जो भी बचे हैं वो सब यहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस ब्लॉग में। मेरे पीछे एक बहुत ही प्राचीन पुराना गढ़वाली घर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, चलिए चलते हैं। पहले ज़माने में जैसे घर हुआ करते थे वैसा ये एक पुराना घर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस था ये घर, मतलब जैसे दिल्ली बॉम्बे में 2 BHK फ्लैट्स होते हैं उससे तो काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ का वेद भवन लेक्चर हॉल हुआ करता था, चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर। गाइस
गाइस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आनंद भवन एंड सिद्धि भवन, जो कि 1976 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और जो कि यूज़ होता था यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आते थे उनकी मेडिटेशन के लिए, जो टीचर्स होते थे यहाँ पे जो सिखाते थे वो भी इसी भवन में आनंद भवन में रहा करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना अब हो चुका है, 76 की कंस्ट्रक्शन है आप देख सकते हैं। तो गाइस ऐसी कुछ अकोमोडेशन हुआ करती थी अंदर आनंद भवन के, जहाँ पे जो मेडिटेशन सिखाते टीचर्स वो रहा करते थे। हो सकता है इनका लिविंग रूम हुआ करता होगा, ये बेडरूम, साथ में पीछे बेल्कनी होती थी। तो लश ग्रीन एनवायरनमेंट है आज भी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जो है पुराना हो चुका है ये, और कुछ इंडियंस किसी को अगर मिस कर रहे होते हैं कुछ लोग तो उसका नाम भी लिख जाते हैं, लॉर्ड्स ऑफ लव, रविंदर, अंजलि। तो यार अपने घर की दीवारों पे लिखो, मैं तो यही कहूँगा। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ महर्षि महेश योगी जी की कुटिया, जिन्होंने ट्रांसेंडल योगा को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर किया था। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड करेक्टली। और ये है उनकी कुटिया, चलिए चलते हैं। चलिए गाइस इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं रोज़ तो नहीं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी और व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों तक तो और अच्छा कंटेंट पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच, कीप इन्जॉइंग।